तो ब्राह्मण अब भारत में ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं करना चाह रहे, कोई ना कोई तो चाहिए उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, तो समाज चरमरा रहा है और उस चरमराई हुई स्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन या जो भी समाधान लगाए जा रहे हैं वो समाज की चरमराई स्थिति को और चरमरा रही है। उसमें और आरक्षण दो, और आरक्षण दो, और आरक्षण देने से क्या समाज का समाधान हो जाएगा? और समाज बढ़ जाएंगे और पोलराइजेशन होगा और समाज और दो दिशाओं में बढ़ जाएंगे। तो समाधान यही है कि अगर ब्राह्मण वर्ग नहीं है तो उसको फिर से पुनः स्थापित करना होगा। आरक्षण देने से या सो कॉल्ड दलित मूवमेंट और भीम मूवमेंट और अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट काउंसिल ये सब मूवमेंट स्टार्ट करके उसका समाधान नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको किया, भक्तिवेंद्र सरस्वती ठाकुर ने इस आवश्यकता को समझ करके ब्राह्मणों को योग्यता के अनुसार तैयार करके एक ब्राह्मण समाज का गठन। तो इस्कॉन के कई उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये है कि समाज में ब्राह्मण समाज को पुनः स्थापित करना, ब्राह्मण वर्गों को पुनः स्थापित करना इस्कॉन का एक प्राथमिक उद्देश्य है।